सोचो मंदिर में जाकर भी कई लोग हमने देखा, वो बालाजी तिरुपति बालाजी जाते ना लोग दर्शन करने के लिए, मत तीन कथा बात चुके, एक हाथीराम मठ में, एक वल्लभ मठ में, फिर एक हाथीराम मठ में। तो वहां लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, खूब धक्का लगा लगा के, दो दिन में तो लाइन लग के दर्शन हो, और दर्शन करके जैसे ही अंदर गया और दर्शन करा और सीधे बाहर निकल गया, बाहर निकलते से ही लोगों से पूछ रही है भगवान कहाँ था, क्योंकि पूरा सोना ही सोना, सोना ही सोना, हीरा बनना, और तिलक भी इतना बड़ा, आग भी बंद, बस इतना इतना चेहरा दिखे, सब ढका हुआ, और धक्के मार के बाहर, इतने में बाहर निकल के पूछ रहा भगवान को, वेंकटेश भगवान कौन सा था बालाजी? भैया वो तो अंदर था, तो ये दिखा तो है ही नहीं, अंदर तो सब आग बंद करके खड़े थे, तो मैंने भी एक धक्का आया, भगवान क्या, अरिनेनु में शाम समाए गयो री मोय प्रेम को रोग, नेनु से प्रवेश, एक व्यक्ति पूछ रहा था महाराज सीहोर में कल्लू जी का ब्याह, कल्लू जी का ब्याह, कल्लू जी का ब्याह हो रहा है, किसी शास्त्र में किसी पुराण में भगवान का नाम कल्लू जी लिखा है क्या? हमने पूछा किसी शास्त्र में किसी पुराण में तेरा नाम लिखा है क्या? बेटा हमारा है, नाम भी हम रखेंगे, आपका बेटा होता आप नाम रखिए, हमारा बेटा, हमारे बेटे का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। हमारी बहू आई है तो उसका नाम भी हमने रखा है, क्या नाम रखा? प्रिया जी। हमारा मन, कहने को तुलसी का क्यारा होगा पर है तो बहू हमारी, नामकरण भैया कोई भी आए तो आईडी प्रूफ तो बनवाना पड़े, नहीं तो भोजन का टोकन नहीं, धरना तो पड़े। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, ये कल्लू जी कौन का भगवान है? भैया तुमने कहीं सुना कि कल्लू जी, कल्लू जी, कल्लू जी? भले नहीं सुन, तुम्हारे बच्चों का नाम टिक्कू पिक्कू रख दो, कौन से पुराण में लिखा है? हमारे ये तो प्रेम की बात है भैरू सिंह, कल्लू तेरे बस का नहीं है, ये तो जो कथा में आए वो पहचान गए कि कल्लू है क्या, जो नहीं आया वो जिंदगी भर नहीं पहचान। इसी चक्कर में तो चार पांच ढोल आगे चलवाए थे, समाधिया मंदिर का, राठौर मंदिर का, विश्वकर्मा मंदिर की, छोटे छोटे ढोल चल रहे थे ना, इसी चक्कर में चल रहे थे कि तुम कल्लू को पहचान ही नहीं पाओ कि कौन से में बैठा। देख तो जो पूजन करने वाली वो तो थाली ले लेके सबके पास जा रही थी, तो के पीछे है, फिर गई पीछे है, फिर गई पीछे है, और जब बिल्कुल पीछे पहुंच गई तो उनने भी कह दिया पीछे है, तो वो थाली लेके घूम रहे थे नंद बाबा अपने लाला को चंदा झांकी में, उन्हीं का तिलक करके घर पे बैठ गई कल्लू महाराज। ढूंढते चित्त दर्द, दुर्योधन क्या कहता था भगवान कृष्ण को? छलिया, कपटी, भगवत तत्व, ये अपने मन की बात। और हम तो आपसे भी कहते हैं, आपके घर में रखी हुई छोटा सा स्वरूप, छोटी सी मूर्ति, केवल मूर्ति नहीं रहना चाहिए, उसका भी नामकरण संस्कार होना चाहिए कि ये हमारे घर का भगवान है, हमारे घर का, हमारे घर का। तुम्हारे घर में सबका नाम है, बस उसी का नहीं है।
एक बिना नाम का व्यक्ति तुम्हारे घर में रहता है, तुम ताला लगा कर चली जाती हो, वो घर की चौकीदारी करता है। घर में बच्चों के लिए रोज कुछ ना कुछ लाती हो और वो अकेला देखता रहता है, देखता है। तीरथ भी जाती है तो सामान सबके लिए लाती है, उसके लिए भूल जाती है। जाते से ही सबसे पहले पूछती है बच्चे स्कूल से आए कि नहीं आए, रोटी खाई कि नहीं खाई, और कभी बाहर से आने के बाद भगवान के सामने जाकर नहीं कहती कि तूने भोजन करा कि नहीं करा। बेटा बेटा थक गया होगा, चल मैं तुझे सुला दूं। भगवत और आप सोचो कि भगवान मिल जाए जीजियों, केवल दो अगरबत्ती लगाने से, दिया लगाने से, घी की बत्ती को डुबो के डब्बे में भर के रखने से, कंकु का चोपड़ा हाथ में रखने से भगवान नहीं मिलता। भगवान को पाने के लिए दिया बत्ती भले मत लगाओ, पर भाव की बाती से नमन करते जाओ, भगवान मिल जाए। भाव तो हो, तुम आज भी तुम्हारे घर में बैठे हुए भगवान को पीताम्बरी से घिस देती हो, तुम आज भी तुम्हारे घर में बैठे हुए भगवान को ब्रश से घिस देती हो। कभी तुमने अपने बेटे को पीताम्बरी से घिसा, ब्रश से घिसा? नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर यही भाव है कि ये पीतल की मूर्ति है, हमारा कल्लू साल में एक बार नहाता है, वर्ष में एक बार जन्माष्टमी के दिन, और इस बार तो YouTube और Facebook पे लाइव दर्शन भी कराए थे भगवान के स्नान के। साल में एक बार नहाता है, उसके बाद भी उसकी चमक, उसकी धमक क्यों चमकता है? क्योंकि उसके चाहने वाले बहुत हैं। जब किसी के चाहने वाले ज्यादा होते हैं तो चेहरे की चमक अपने आप बढ़ती चली जाती है, अपने आप बढ़ती। वो तो राधा नहीं होती तो और चमकता, क्योंकि जितने इसके चाहने वाले हैं उसके भी देड़े हैं, पर फिर भी ये कम नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ओ नंद लला जो तुम होत नंद लली। अगर नंद बाबा तुम्हारे घर में इतना सुंदर लड़का हुआ, अगर इतनी सुंदर लड़की हो जाती तो नंद लला जो तुम होते नंद लली, तो गले कट जात करोड़न के, ना जाने कितने कुएं और बावड़ी में डूब के मर जाते अगर ये लड़की जैसी पैदा हो जाती। इतना सुंदर लड़का हुआ, लड़की होती तो। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सोचो। कई लोग कह रहे थे महाराज सीहोर तो ऐसा लग रहा जैसे बेकुंठ आ गया। हमने कहा तुम देख के आए? नहीं, एकाध बार जो घूम के आया हो तो कह सकता है कि बेकुंठ जैसा लग रहा। नहीं, सीहोर बेकुंठ नहीं हुआ, क्योंकि बेकुंठ में तो ये सब फालतू की चीजें होती नहीं। वहां तो सबको एक एक एसी का रूम दे देते हैं, एक एक बढ़िया डनलप का गद्दा और बढ़िया लगा के दे देते हैं, सोने की थाली में भोजन आता है, सब प्रेम से कर लेते हैं, पर वहां पर ये भजन मजन कीर्तन वीर्तन कुछ नहीं होता। ये बेकुंठ नहीं हुआ, सीहोर बेकुंठ नहीं बना, सीहोर गौलोक धाम बना, जिस धाम में भागवत गोवर्धन गौओं की नित्य सेवा हो, गौलोक धाम। इसलिए परम भगवदीय वैष्णव बेकुंठ नहीं जाना चाहता, परम भगवदीय वैष्णव कहां जाना चाहता है बोलो जम के? गोलोक धाम। हमें सूरदास जी लिखते कहां करो बेकुंठ के जाए, मेरे को बेकुंठ नहीं जाना, क्योंकि बेकुंठ में गौ नहीं, बेकुंठ में गोवर्धन नहीं, बेकुंठ में भागवत नहीं। तो हम जाके क्या करेंगे? हम तो गौलोक धाम जाएंगे, जहाँ रोज भागवत होती हो, जहाँ गौओं की सेवा होती हो, जहाँ नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हो। हमें नहीं जा रहे, हम बेकुंठ नहीं जाएंगे। चित्त चिदानंद वृत्ति में परमात्मा,
भक्ति क्यों नहीं? कल एक हमारे भैया कह रहे थे कि अब तो कोई आने वाला तो नहीं रिया होगा गुरुजी। हमने कहा पूछा क्यों, तो कि कल बारात निकल गई, अब लोग संडे देख के आते हैं, अब कौन आएगा। हमने कहा तुम जाओ और कार्यालय पर पहुंचिए सुबेरे 6:30 बजे से 150 से 250 लोग फिर आकर तैयार बैठे थे, उनको कमरा बांटा जाओ बांटो। जिसका प्रेम है वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में परमात्मा से मिलने के लिए ठाकुर जी के भागवत में, और सत्य कहूं जीजियों भाइयों, चाहे बाहर वाले हो चाहे घर के लोग हो सीहोर के लोग हो, ईमानदारी की बात है, ये आपका दिल आपके ठाकुर को समर्पित करा है, इसलिए यहाँ पर आकर आप बैठे हो, ये आपका चित्त लगा है। मन आपने परमात्मा में लगा कर रखा, इसलिए कहते हैं ना कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं या वो जाने। कलू से दिल तो लगा क्या है, ये मैं जानूं या हो जानूं। दुनिया से दिल तो लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। उठाकर मीठी मीठी तालियों से स्थान पर खड़े होकर आओ से दोनों हाथों से निराली है उसकी हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली हर बात में है एक टेढ़ापन। दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या हो जाने। दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या हो जाने। आनंद के साथ मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। ये कैसा ये
संत नामदेव भगवान पंडरीनाथ को लंबक बोल सकते हैं तो हम हमारे ठाकुर को कलुआ क्यों नहीं बोल सकते। हमारा ठाकुर हमारा है, हमारे हम जिस भाव में उसको बजेंगे, आप उसको बाप मानकर बजेंगे तो वह बाप के रूप में दिखेगा, आप बेटा मानकर बजेंगे तो बेटे के रूप में दिखेगा,
आप उसको जो नाम से भजेंगे वो उस रूप में दर्शन देगा। भगवान का विवाह कब होता है? आज क्या है? पूरी दुनिया में तुलसा और ठाकुर जी के विवाह का, शालिग्राम जी के विवाह का बढ़ना बढ़ने वाला। करें आप लोगों ने ओरिजिनल शालिग्राम जी के दर्शन? अरे बोलो तो नहीं करें? काय में से प्रकट होते हैं शालिग्राम जी? गंडकी नदी से। गंडकी नदी जो चीन और नेपाल की बॉर्डर पर है, हाथ में ऐसे तुलसी के दल को रखा जाता है, हाथ को पानी में दिया जाता है, तुलसी बह जाती है और शालिग्राम जी हाथ में आ जाते हैं। बस एक तकलीफ होती है वहां पर कि वो चीन की बॉर्डर के जो लोग हैं वो अपने शालिग्राम जी को ले लेते हैं और शालिग्राम जी में एक कीड़ा होता है जो तुलसी के पत्ते को खाता है, सोना उगलता है। वहां की गवर्नमेंट अपने से शालिग्राम जी लेकर उसको फोड़ कर उसमें से सोना और कीड़ा दोनों निकाल लेते हैं, फिर अपने को शालिग्राम जी देते हैं। आज करें दर्शन शालिग्राम जी के? लाइट ठाकुर जी के साथ में शालिग्राम जी विराज रहे। ये रखें, ये ठाकुर जी के साथ में विराज रहे। पंडित जी जय भगवती। जिनको नहीं दिखे वो एलईडी पर देख लीजिएगा शालिग्राम जी का। असली शालिग्राम जी का जो स्वरूप है, क्योंकि तुलसा ठाकुर जी के मंगल विवाह का क्रम आज शालिग्राम जी के साथ यहां पर आनंदित भाव से कलुए के साथ होगा। शास्त्र की जो जो रीतियां हैं वो रीतियों से भगवान के विवाह का क्रम संपन्न कराया जाए। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। असली शालिग्राम जी का दर्शन बहुत कम होता है और आज एकादशी का दिन है, किस्मत वाले हो आप लोग। अभी हम लोग जब नेपाल कथा करने गए थे तो वहां चीन की बॉर्डर से ठाकुर जी को लिवा कर लाए थे। बोल शालिग्राम भगवान की। ऐसे शालिग्राम जी का पूरा पाषाण स्वरूप रहता है। इस पाषाण स्वरूप को इसमें कीड़ा रहता है जो तुलसी खाता है, सोना उगलता है। चीन की गवर्नमेंट इस पाषाण स्वरूप भगवान को लेकर बीच में से फोड़ देती है। फोड़ने के बाद उसमें से सोना और कीड़ा निकाल लेती है और अपने को फोड़कर इस तरह से शालिग्राम जी को दिया जाता है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस तरह से शालिग्राम जी प्राप्त होते हैं। और शालिग्राम जी का ये स्वरूप प्राप्त होता है, ब्राह्मण जब अपने घर में रखते हैं तो इसी शालिग्राम के अंदर तुलसी का दल रखकर शालिग्राम जी को पूजन के केंद्र बिंदु में रखा जाता है। बोल शालिग्राम भगवान की। हो गए सबको दर्शन? भगवत क्रम का भाव। और कई लोगों के मन में रहता है, महाराज अभी तो चुनाव चल रहे थे, ये कथा कैसे रख ली? मेरा निवेदन है, कथा की तारीख आप लोगों को 2024
16 से बुक थी, 2016 से ये कथा की तारीख निश्चित थी, आप लोग मालूम मालूम रखिया बैठे 2016 और अभी क्या चल रहा है जम के बोलो 18। 2017 की कथा में तारीख और जगह निश्चित हो गई थी और 2016 की कथा में ठाकुर जी का विवाह निश्चित हो गया था। केवल एक दिन हो सकता है, वो है बोलिए आज की देव उठनी एकादशी। इसलिए चाहे इसके बीच में फिर चुनाव अड़े चाहे कोई अड़े, पर भगवान तो ब्याह करके ही मानेगा, ये शास्त्र रीति कहती है। चुनाव बदल सकते हैं पर भगवान के नियम। एकादशी का महत्व जो वर्णित है वो वर्णित है शास्त्र। कई लोगों के मन में रहता है इस समय नहीं रखना था, भीड़ भड़क का था, ऐसा था, तारीख थी। आपके बेटे का ब्याह निकलता तो आप करते कि नहीं करते? अरे बोलो तो, करते? बेटी का निकलता तो करते कि नहीं करते? हमारा भी बेटा है, उसको हमने अपने पुत्र के स्वरूप भाव के स्वरूप माना है, कर दिया। मन था जिस भाव में उसको भजा उस भाव में हम मिला है। आपसे भी निवेदन है गोपियों सा भाव लेकर आओ। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक नहीं बनना, साधना से भगवान को पाना कठिन है और भाव से भगवान को पाना सरल है। भाव से भगवान को पाना, अभी साधना से पा रहे थे दिल्ली के कुछ लोग, रस्सी बांधो गले में लगाओ और झूल जाओ। एक ही घर के कितने गए? 11। कौन दे ऐसी अकल? शास्त्र कह रहा है, हमारी भागवत हमारे शास्त्र वर्णन कर रहे हैं, साधना से भगवान को पाना कठिन है पर भगवत भजन से। मीरा कभी साधना नहीं करती थी, मीरा तो उचक उचक कर नाच नाच कर गाती थी, तो राणा कहता था मीरा भाई ये उचक उचक कर क्यों नाचती है भजन पर? मीरा कहती है चाय की पत्ती के डब्बे में छोटी सी चम्मच नीचे दबी है, चम्मच को निकालने के लिए हाथ नहीं डालना, डब्बे को उछालो चम्मच बाहर आ जाएगी, भगवान के लिए थोड़ा नाच लो भगवान निकल कर बाहर आ जाएगा। उसको पाना सर आने की महत्वता के साथ और भाई भगवत तत्व का मूल बिंदु हमारा कृष्ण का चरित्र कह रहा है। भगवान गोवर्धन नाथ जी की पूजन करी, पूजन करने के बाद गिरिराज बाबा के सम्मुख से, सम्मुख में विराजमान सबकी सब हाथ जोड़कर बैठे थे, आंख बंद करके बैठे पर भगवान नहीं आए। फिर वही वाली बात आ गई, तुम आंख बंद करके बैठोगे भगवान नहीं मिलने वाला। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है उसको भाव भक्ति में डूबो, आंख बंद करने से नहीं परमात्मा मिलता। दो अगरबत्ती लगाकर धर्मात्मा बनने का प्रयास मत करो। क्या कर कर? अरे बोलो दो, तुम्हारी भक्ति देखने को मिलती है। कार्तिक का महीना चल रहा है, लोग मंदिर में अगर तुलसी के क्यारे में भी अगर दिया लगाते हैं ना तो तुलसी के क्यारे के अंदर दिया रख देते हैं और वह तुलसा मैया हवा देवता से पवन देवता से कहती है चलो पवन देवता जिससे मैं थोड़ी सी हिल के टेढ़ी हो जाऊं, नहीं तो ये मुझे तो आग लगाने आई है दिया लगाने नहीं, थोड़ी सी ये भक्ति नहीं है। इसको भक्ति नहीं कहेंगे, इसको दिखावा कहेंगे। इसको भक्ति की मूलता नहीं कही गई, इसको दिखावे की मूलता कही गई। भक्ति की मूलता में मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती होठों की है तालियां रोम फूल बाती रोम
की है मालिया रोमी रो रो जीवा तेरा नाम पुकारती आरती हो मैया जुता वाली माँ तेरी आरती हो शेरा वाली माँ तेरी आरती हो लाटा वाली माँ तेरी मन का दीप नैनों का दीप और मन की बाती को भगवान को समर्पित करने का प्रयास करिए मन की बाती समर्पण दिखावे का सब की सब कह रहे हैं अगर इंद्र होता तो खाकर जाता पत्थर में से क्या भगवान निकलेगा भगवान ने विनती करी है गोवर्धन नाथ प्रकट हो तब पत्थर में से भी गिरिराज बाबा प्रकट हो गए हजारों हाथ कर कर भोजन ग्रहण किया हजारों हाथ कर भोजन कर रहे एक ब्रजवासी बोला ये पूरा के पूरा खजाएगा हमारा इंद्र देवता तो थोड़ा छोड़ कर जाता था अब क्या करें भगवान ने गोवर्धन नाथ जी से कहा बाबा इन ब्रजवासियों के लिए थोड़ा सा छोड़ दो तब भगवान ने भोजन की थाली में छोड़ा भगवान बोल दिए कृष्ण इन ब्रजवासियों ने मुझे खाने से रोका है आज के बाद मैं किसी के सामने जीमने नहीं आऊंगा केवल भाव से जीम कर जाऊंगा उस दिन से भगवान भाव से जीमने लगे और भाव का भोजन कैसे होता है आपको पहले भी कहा एक अन्नकूट का भोजन कर लो और एक घर में बनाकर मिक्स वेज की सब्जी खा लो कौन सी अच्छी लगेगी अन्नकूट एक भंडारे की कद्दू की सब्जी और एक घर में बनी हुई कद्दू की सब्जी कौन सी अच्छी लगेगी भंडारे एक घर की पूड़ी एक भंडारे की पूड़ी कौन सी अच्छी लगेगी एक घर में बनी हुई खिचड़ी और एक भंडारे में बनी हुई एकादशी की खिचड़ी दोनों में अंतर मिलेगा वहां आपके लिए बनी है भंडारे में सांवरिया सेठ के लिए बनी है अंतर किया समर्पण किया समर्पण की मूलता में जो दिया गया समर्पण की केंद्रता में जो वो भाव भगवान छोड़ दिए समय आया चारों तरफ जलवृष्टि हुई भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया पर्वत कौन ने उठाया अरे बोलो भगवान कृष्ण ने ये भागवत जी में लिखा है पर भाव से देखोगे तो भगवान का जो उल्टा अंग है वो राधा का है सीधा अंग पुरुष का उल्टा अंग महिला का स्त्री का भगवान ने पर्वत उल्टे हाथ पर उठाया था तो पर्वत ठाकुर जी ने नहीं उठाया स्वयं राधा रानी ने अपने कान्हा के लिए पर्वत उठाया स्वयं राधा कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपियन को और राधा जो की कृपा से गोवर्धन लियो है राधा की कृपा से मेरे कृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगली पर धारण राधा धारण करने वाला वो है 2016 में जब कल्लू जी के विवाह का तारीख निश्चित करी गई थी तब
मन में यह भाव उत्पन्न हो गया था कि तारीख आपने निश्चित करी है तो निभाना भी आपको ही है, करना आप। दो साल से तैयारी करते 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 2018 आ गया। ठाकुर जी का मंगल विवाह, समय आया, भगवान पर्वत को हाथ पे उठाए। 7 दिन तक पर्वत को उठा कर रखा। कितने दिन? 7। सात दिन तक पर्वत को उठा कर रखा। जलवृष्टि हुई, इंद्र चरणों में पड़ गए, तब पर्वत को नीचे रखा। कह दिया, इस गोवर्धन पर्वत की जो वैष्णव, जो भगवतीय जीव परिक्रमा करेगा, दूध चढ़ाएगा, वह जीवन में हर वस्तु को प्राप्त कर कर मेरे धाम को आ जाएगा। मेरे जो नर देत दूध की धारा, भरो रहे ताको भंडारा, करे जागरण जो नर कोई, दुख दरिद्र भय ताही ना, श्याम शिला में निज जन त्राता, भक्ति मुक्ति सरस के दाता, पुत्रहीन जो तुमको ध्यावे, ताको पुत्र प्राप्ति होई होई जावे। पुत्र प्राप्ति का केंद्र, लक्ष्मी का केंद्र बिंदु गोवर्धन। गो मतलब इंद्री, गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि। जो इंद्रियों की वृद्धि कर रहा है, लक्ष्मी की वृद्धि कर रहा है, वो गोवर्धन। और हमारा तो आप सबसे एक निवेदन रहता है, दुनिया के आगे जाके रोने से अच्छा है अगर जीवन में तकलीफ आए तो एक बार गोवर्धन जाओ, परिक्रमा लगाओ, दूध चढ़ाओ और बाबा से विनती कर कर आओ। वो सब काम कर देता है जो तुम चाहते हो, जो तुम। इसीलिए तो लोग जो गोवर्धन नहीं जा सकते, इसलिए राधा नाम कीर्तन का एक नया सत्र चालू करा कि हर महीने राधा नाम कीर्तन में गोवर्धन चालीसा तो होती है, साथ में मानसिक गिरिराज जी की बैठे बैठे परिक्रमा और गिरिराज जी का हर राधा नाम कीर्तन में अन्नकूट। अन्नकूट से मतलब केवल पूरी और मिक्स वेज सब्जी का भोग और वही सबको वितरण, ना खोपरा पात ना जलेबी, एक भोजन एक प्रसाद। भगवत चित्त और वह चित्त चिदानंद वृत्ति का सुख। और कभी मौका मिले, कभी मौका मिले और आपका व्यापार अगर सही नहीं चलता हो, कर्जे पे कर्जा चढ़ रहा हो, 5 किलो छाछ की जतिपुरा में जाकर कड़ी बनवाओ, थोड़ा सा चावल बनवाओ, एक दोने में अगर धन नी भी है तो 5 किलो छाछ की कड़ी बनवाकर, चावल बनवाकर, परिक्रमा मार्ग में गोवर्धन नाथ जी की कहीं पर भी खड़े होकर दोने में थोड़ा थोड़ा अन्नकूट जैसा प्रसाद, भले कड़ी चावल का बांट दो, कुछ भी बांटो, बांटने पर जितना जितना वो अपने हाथ से दे दोगे उतना उतना हजारों हाथ करके गोवर्धन बाबा तुमको प्रदान कर देगा। प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल करिए। गिरिराज बाबा के नाम से अगर कुछ भी तुम प्रदान कर रहे हो, दे रहे हो, वो तुम्हें अधिकता में प्राप्त होने वाला, कम नहीं। हमने तो एक बार विचार करा था पहले कि पूर्णिमा पर गिरिराज जी में एक बार कड़ी चावल बांटा जाए, पूरी सब्जी बांटी जाए, और एक बार
कांतानाथ जी चित्रकूट में अमावस्या पे जाकर वहां पर पूरी सब्जी बांटी जाए, क्योंकि पूर्णिमा पे गोवर्धन में ज्यादा भीड़ रहती है और अमावस्या पर कांतानाथ जो कि गोवर्धन नाथ जी के मंझले भाई हैं चित्रकूट में, उनकी भी परिक्रमा होती है, इनकी भी परिक्रमा होती है, उनकी 5 कोस इनकी 7, उन पे भी दूध चढ़ता है, इन पे भी दूध चढ़ता है। अन्न के दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। मरने के बाद लोग बामन जी मारते हैं, हम कहते हैं जीते जी इतना दान कर कर जाओ कि आपके जाने के बाद बच्चों पे बोझ ना रहे। बड़ा बेटा सोचे अब खर्चा कौन करेगा, छोटा सोचे अब खर्चा कौन करेगा, अपने हाथों से इतना कर जाओ कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद कर कर जा रहे हैं, हम खुद कर जा रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है। भजन चित्र आशा किसी से मत लगा, आशा लगाना है तो एक आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे नाता एक श्याम जी से, दूजा नाता एक नाता एक रिश्ता एक कुटुंब एक कबीला। इसलिए पत्रिकाओं पर आपका नाम कम और लिखा हुआ था वैष्णव परिवार, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में डूबा है, जो एक बार भी मंदिर किसी भी मंदिर में जाता हो, जो तुलसी जी में दीप लगाता हो, जो घर के मंदिर में अगरबत्ती लगाता हो, वो वैष्णव है। वैष्णव का मतलब ये नहीं कि तुम पुष्टि मार्ग से जुड़े हो तो वैष्णव है, तुम रामानुज संप्रदाय से जुड़े हो तो वैष्णव हो। वैष्णव का मतलब है जो भगवान को मन में बसाता हो वो परम भगवदीय वैष्णव है, वो वैष्णवता की गादी पर बैठा हुआ, परम पद पर बैठा, परम सुख पर बैठा। महाराज समय आया, भगवान पर्वत रखकर वापिस आ गए, परिक्रमा करी और गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करी है, मानसिक परिक्रमा। मानसिक परिक्रमा करी और परिक्रमा करके पहुंचे घर, जाकर नंद बाबा नहीं थे। गलत समय पर भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा ने यमुना जी में स्नान करा, इसलिए वरुण की बंदी में पड़ गए। कोई भी काम करना है समय पर करो, समय की अनुकूलता में करो, समय के बाहर नहीं। कल हमारे पास में जो लेखनी थी लिखित में था कि आचार संहिता के अंतर्गत 9:30-10 बजे तक शोभा यात्रा को विराम देना है, हमने 9:45 बजे शोभा यात्रा को ले जाकर हवेली जी में विराम दे दिया। हम क्यों शासन का अपमान करें, हम क्यों आचार संहिता का अपमान करें? सरकार अपनी अपन सरकार के, प्रशासन अपना अपन प्रशासन के, अपन सब भारत के नागरिक हैं, इसलिए भारत की भूमि पर जन्म हुआ, माँ की गोद में पड़े तो उस भारत के संविधान का हमको आदर करना चाहिए, भारत के संविधान का सम्मान होना चाहिए। इसलिए 9:30 का समय था बारात को विराम करने का, हमने कार्यकर्ताओं से कह दिया 9:45 पर विराम होना चाहिए और इतनी जल्दी जल्दी चलाकर ले जाकर सीधे हवेली जी पर विराम, ठीक 9:45 बजे शोभा यात्रा का बारात का कर दिया। क्यों? अपना है, अपने ठाकुर का है, प्रेम से। महाराज प्रशासन से खबर आई थी केवल 2 बैंड निकलेंगे, हमने सारे बैंड कैंसिल कर दिए, केवल 2 बैंड रखे, केवल 2। उन्होंने कहा इतना सामान नहीं निकलेगा, आधे से ज्यादा सामान कैंसिल कर दिया। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का जो बयाना दिया हुआ था वो सब ठाकुर जी के शरण में चला गया, बयाने के जो दिए पर जो ठाकुर जी की कृपा। पर ईमानदारी से बोलो,
आनंद आया कि नहीं आया। ये आपकी ताली की गर्जना बता रही है कि आप लोगों के दिल में कल्लू जी बैठ चुके हैं, ये पक्का भाव। और यही भाव, यही भक्ति। केवल ठाकुर जी हम कहते हैं दिखावे से भजन ना करिए, इस दिल से जुड़ना उस परमात्मा से। भगवान ने बंसी का नाद करा, गोपियां शुद्ध बोलकर दोनी भगवान की बंसी के भाव को व्यक्त किया। नंदलाला तेरी मुरली ने, गोपाला तेरी बंसी ने, दीवाना कर मुझे मस्ताना कर दिया। लाला तेरी मुरली ने, गोपाला तेरी बंसी ने, दीवाना कर दिया मुझे मस्ताना कर दिया। सब बोलो
बंसी के धुन पर भगवान की गोपियां सुध बोल गई, दौड़ पड़ी, कोई सुध ही नहीं थी। समय आया, अक्रूर जी आए, गोपियों के बीच में से भगवान का ओझल होना, पहुंचना, फिर प्रकट होना। अक्रूर जी आए और अक्रूर जी ने आकर भगवान को लेकर जा रहे हैं। मथुरापुरी में भगवान पहुंचते हैं, पैदल गए, धोबी की वार्ता सुनी थी। सबसे पहले कुलिया पिंड का वध करते हुए एक धोबी से वस्त्र मंगाए, पहनने के लिए मांगे, नहीं दिया, प्राणों को हर लिया। रामावतार का धोबी है जिसने सीता जी का परित्याग करवाया था। कुब्जा नाम की बुढ़िया से चंदन लगवाया, हिमाय नाम के माली से माला पहन, किसी को नहीं छोड़ा। मेरे सांवरिया ने, मेरे ठाकुर ने हर धर्म, हर संप्रदाय, हर तरह के जीव को अपना बनाया, चाहे गौए हो, मोर हो, पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो, जलचर हो, थलचर हो, सबको, सबको अपनाया। और कुवलिया पिंड का वध करते हुए प्रवेश कर गए कंस के महल में। मामा जी, भांजा आया है, छाती से नहीं लगाओगे? प्रवेश कर। कंस तो भागा, सिंहासन छोड़ के जैसे ही भागा, भगवान ने उसकी चोटी पकड़ी, खींच कर उसको सिंहासन से लिया और चोटी पकड़कर खींच कर कंस की जो मुष्टिक प्रहार करना प्रारंभ करा, प्रहार करते ही कंस के प्राण छूट गए। देवता पुष्पों की वृष्टि करे, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सब समाहित हो गया। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की, प्राण अस्थि प्राप्ति। दौड़कर जरासंध के पास गई, पिताजी तुम्हारे जमाई की हत्या कर दी है, बदला लीजिए। 13 अक्षौणी सेना तैयार कर आक्रमण करा, और आक्रमण कर तब बार बार जरासंध हार कर भागता है, बार बार युद्ध करने आता है। ये जरासंध की कथा नहीं, बुढ़ापे की कथा। बार बार व्यक्ति बीमार होता, गोली दवाई खाकर ठीक हो जाता, पर कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता। भगवान एक समय युद्ध का मैदान छोड़कर भाग लिया, नाम पड़ गया रणछोड़। रणछोड़ राय नाम पड़ गया, और गुफा में प्रवेश कर अपना रुपट्टा, अपना उपरना मुचकुंद पर डाल दिया, जहां पर कालियावन भगवान को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। लात मारी, मारते ही मुचकुंद के नेत्र द्वारा कालियावन जलकर भस्म हो गया। द्वारका में विश्राम किया, द्वारका के राजा बन गए श्री द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण। बोल द्वारिका नाथ की, द्वारका के राजा बनकर बैठे। उधर विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी, जिसने भगवान कृष्ण को जानकर शिशुपाल बरात लेकर आ रहा है, तो गुरु जी को बुलाकर पत्र दिया है महाराज, और निवेदन है ये पत्र केवल रुक्मणी का नहीं है, अपन सबका। सुनो सुनो लगे मन में, सुनो सुनो लगे मन में, प्रभु तेरे पास बोला सत गुरु मेरो संते हरी से जाए सुना बेटा सत्य।
पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तुम्हारे द्वारे पर हारे पर सब कोई मिलते भिखारी। एक दाता द्वारे का मुझे तेरे बोला एक दाता द्वारे का मुझे तेरे पास बुला लेना। सतगुरु मेरो संगे हरी से सतगुरु मेरो संगे हरी से सुनाते सुनो सुनो लगे मन में सुनो सुनो लगे मन पर सब कोई मिलते भिखारी। द्वार द्वार पर हारे पर सब कोई मिलते भिखारी। एक दाता द्वारी दाना मुझे तेरे नाम बोला एक दाता द्वारी का मुझे तेरे पास बुलाएगा। तेरी माला जपूंगी दिन रात प्रभु जी तेरे पास बुलाएगा। ओ तेरी माला जपूंगी दिन रात प्रभु जी तेरे पास रुक्मणी जी ने पाती लिखी ब्राह्मण ने ले जाकर दे दी। भगवान ने मस्तक से लगाकर ब्राह्मण से पाती पढ़वाई और कह दिया रुक्मणी जी से कह दो तो श्रृंगार कर गोरा जी के मंदिर पहुंच मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। रुक्मणी जी आ रही हैं, जोरदार ताली बजाएं, स्वागत करें माता रुक्मणी का। जगदम्बा के मंदिर में पहुंच रही हैं रुक्मणी मैया। भगवान उनको लेने के लिए जाते हैं, सज धज कर श्रृंगार करके रुक्मणी जी पहुंचती है कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। ओ मुझे मेरे काना की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे काना की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आज के रुक्मणी विवाह के मनोरथी हैं श्री ओम प्रकाश जी बंसल, विमला जी श्रीमती विमला जी मंसल, श्री आलोक जी मंसल, श्रीमती रचना जी मंसल। बड़े भाव से बंसल परिवार इंदौर, जोरदार ताली बजाएं ऐसे मनोरथी का। ओहो
कृष्ण को भी लिया हो साथ साथ। ओम प्रकाश जी बंसल, श्रीमती विमला जी बंसल ऊपर आ गए। अटल सुहाग किए बिंदिया लगा दो, 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 दुल्हन बना दो मुझे मेरे काना की दुल्हन बना दो, काना की दुल्हन बना दो, काना की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। गोपाल कृष्ण भगवान की बैठ जाओ। रुक्मणी जी गोरा जी का पूजन करने के लिए पधारी और भगवान कृष्ण रथ लेकर पहुंचे। शंख की ध्वनि करी हमारा शंख की ध्वनि करी और शंख की ध्वनि कर भगवान ने रथ को खड़ा करा। दौड़ते हुए भगवान मंदिर में प्रवेश करे और भगवान मंदिर में प्रवेश करते ही रुक्मणी जी का हाथ पकड़ कर लेकर भाग गए। ले गयो रे, ले गयो रे रुक्मणी को भगा कर, ले गयो रे, ले गयो रे शिशुपाल देख लो गोपाल कृष्ण भगवान। अब भगवान की बारात सुंदर रूप से पधार रही है, आनंद लीजिए, जोरदार ताली बजाएं। आज के मुख्य मनोरथी ओम प्रकाश जी बंसल, श्रीमती विमला जी बंसल, कृष्ण रुक्मणी ऊपर, कृष्ण रुक्मणी ऊपर आ जाएं। हमारे आज के रुक्मणी विवाह के यजमान हैं श्री ओम प्रकाश जी बंसल, विमला जी बंसल, तुलसी जी, पटरानी जी, प्रिया जी का मंगल विवाह अभी यहाँ पर 20 मिनट में पूरा संपन्न होगा। पहले रुक्मणी विवाह कराएंगे और उसके बाद में ठाकुर जी का, कल्लू जी का मंगल विवाह यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे, जब ठाकुर जी का विवाह होगा तब उनकी ओर मुख कर पूरे विवाह का दर्शन करिएगा। आज एकादशी है, इससे बड़ा सौभाग्य पूरे सीहोर वालों को कभी नहीं मिलने वाला, ऐसा सुंदर मान। वरमाला दीजिए आप। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की, वो आ गई माला गई। हमारे मुख्य मनोरथी श्री राकेश जी सिंबल, श्रीमती द्रौपदी जी सिंबल भूमि पर आ जाएं। मंगल बधाई का क्रम आनंदित हो रहा है, वर कन्या एक दूसरे के सामने मुख कर ले। शुभ मंगला सावधान। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के गले में जयमाला दे रही है, जोरदार ताली बजा रहे। अब भगवान कृष्ण रुक्मणी जी के गले में जयमाला दे रहे हैं, ताली बजाकर स्वागत करें।
बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। कन्यादान के लिए यजमान सम्मुख हो जाए, तिलक करवाए, पाणी ग्रहण किए, मंगल बेला इसके आप साक्षी बन रहे हैं, अपने भाग्य पर इठलाते हुए। उधर माइक दे दो बेटा। एक बार हमारे शहर के सभी पत्रकार बंधुओं के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने अपने अपने मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पूरे राष्ट्र में, पूरे देश विदेश में इस पावन कथा को फैलाया है, पहुंचाया है। सभी पत्रकार बंधुओं का हमारी विटले सेवा समिति स्वागत वंदन अभिनंदन करती है, सारे पत्रकार समूहों का भी वंदन करती है और सबका साधुवाद करती है। ठाकुर जी और प्रिया जी का दर्शन करें। प्रिया जी तुलसा महारानी विराजमान है। सुमकश्चैकदन्तश्च कपिलोकजगर्णकालम्भोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुरगणाधक्ष बालगन्धर्व द्वादशैतानि नामानि यापटे श्रयादवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्घटश्च वा विघ्न शुकलाम्बरधरं देवं षड्वर्णं रतरभुजं प्रसन्नवदनं ध्याय सर्वविघ्नोपशान्तये वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमपर निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। ग्यारह हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई है श्री मुन्ना जी अगल, सुभाष जी अगल, जोबट वालों की ओर से। तिथिर विष्णु तथा वारो नक्षत्र विष्णु रे बचा योग कर्णम विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत विष्णु 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 त्रिमद भगवतो महामुरुजच्च विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान चो अद्यद्रे ब्रह्मणोन द्वितीय पराराधे श्री चैतवराह कलवे सप्तम है वैव सर्वंतरे अष्टाविंशम कलियुगे कथम चरणे भुरलोके भारत वर्षे भरत खंडे जम्बुदीपे नैविचारण्य आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे मध्य प्रदेशे शिवर मल्लांतर्गत शिवर नगरे रवि दक्षिणायने शिशिर ऋतु मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासे हे शुक्लपक्षे एकादश्यायां चंद्रवासरवितायां महा श्री कृष्ण तुलसी विहाव करुणा निमित्यर्थं महा श्री कृष्णचंद्र देवता लक्ष्मी नारायण देवता विहाव करुणा निमित्यर्थं महा जंगल भंज महां करिष्ये जोड़ दीजिए। तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान चाते यजमानो अविर्भिमानो वरुणे अभोद्रुतगुम समान आयो प्रमोग वरुणाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाकितपशुपालिं समर्पयामि चढ़ा दीजिए। चंद्रमा मनसो जात जगो दुर्जो अजायत ज्योत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरज कर्म साक्षी भगवान दीपाधिष्ठात्र देवता भूर्मा गन्धाकितपशुपालिं समर्पयामि नमो गणानन्त्वा गणपति गुम प्रियानन्त्वा प्रियपति गुम हवामहे निधेनात्वा निधिपति गुम हवामहे वधूममया हम जानि कृपतमा त्वमजाति अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयतिकजनाशिदशुकाचपत्रिकां काम्येलवाच गणेशाम्बिकायै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाकितपशुपालिं समर्पयामि गौरी मधुमाची मेधा सावित्रे विजया जया देवसेनाजना स्वाहा मातर मातरा तथे पठ्यतदा तुष्टेरात्मना कुलदेवता गणेशेनाधिकारेण वृद्धो पूजय
षोडश मातृकायै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धागिर पुष्पाणि निर्वयामि असंख्याता जयद्राणि जय रुद्राय दिवोम्यां माते कागुं सहस्रयोजने धनवान धनवजे रुद्राय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धागिर पुष्पाणि आकृष्णो निवेशयन सविदार्थेना देवो जाति भुवनानि पश्यन् आदित्यादिग्रहाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाखिल पुष्पाणिं समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि दीपकं दर्शयामि हस्तौ वृक्षाल्यो नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यायाचिदन्तरिक्षकं जेष्णोर्ध्यो तमवर्ततापतिभ्याम्भोवर्धश चोद्राचधालोकम् अमृतमात्रेण नैवेद्यं निवेदयामि प्राणाय स्वामपानाय स्वाम्यानाय स्वामुदानाय स्वां सभानाय स्वा ब्रह्मणे नमः ब्रह्मभूर्भुवस्वरूपं हस्तमक प्रक्षाल्यं मध्ये पानीयमुत्रापरोक्षणं शुद्धाजिनं नैवेद्यं निवेदयामि जलछोड़िये प्राणाय स्वां हस्तमक प्रक्षाल्यं मध्ये पानीयमुत्रापरोक्षणं शुद्धाज नैवेद्यं मुखवासार्थे पूगी फलतामृतफलानि समर्पयामि हे कृताय पूजाया सात्पुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणायाम समर्पयामि। मामा फेरे के लिए ओम प्रकाश जी परवाल, परवाल परिवार के मोनू परवाल, ओम प्रकाश जी परवाल सम्मू का जाए मामा फेरे के लिए। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि बन्दहु शंभु भवानी के नन्दनयानन कन्द विकन्द पति जय दीननदायक देवो सिद्धि हे गणनायक मोपे पत बुद्धि के दाता गजानन आनंद मेरी को होती शोभते करी जय चाणे वे नायक पूजा में आई आसन लीजे मोचक वाहन चाणे वे नायक पूजा में आई के आसन लीजे प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि अनेन भोजना कर्मागते नहावधिस्ताव देवतानां संघ परिवार प्रियतान नमः। अग्रे अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ इदं विदुर्यक्रमे त्रेधानि तदे पदामा तमो नम च पागुन्धुरेश्व ब्रह्मजन्यानां रतमाम्बुरजा मदः सरज वैन आवः सपत्न्या उपमा असविटाः सदज निव सदज विवः असङ्ख्याता जयद्राणि देवोम्यां मादे काकदः त्रयोजने वधन्वानि तन्वसे प्रधान कलशाधिष्ठात्र देवता व्यो नमः चढ़ाइए ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पादयोः वाद्यं समर्पयामि स्तयोर्घ्यं शुद्धाजिनं जलस्नानम् ॐ जय तीर्थानि वजरन्ति श्रीकास्तानि गङ्गिणाते गागुं सहस्रयोजने धन्वानि जलस्नानान्ते वस्त्रं मायुवाजवाजावरिवेरागा चौश्रियान् भवति जायम तन्धीराजगवयन्ते स्वाध्यामरसा देवयन्तः वस्त्रान्ते गन्धनां मा चन्दन लगाय त्वां गन्धर्वाय घन स्वामीन्द्र त्वां बृहस्पति त्वामोगधे दोमो राजान् विद्वान् लक्ष्मादमुच्यत अक्षताने मक्षन्नवे वदन्तयेव प्रियाय दोगत असोगत स्वभानवो प्राणविष्टय मतीजोजान्विन्द्रते हरि पुष्पां सेवन्तिका बकुलजाम्बकपाटलाब् जय भन्नागजातिकरवेलरसा बिल्वप्रमाल तुलसी दलमाल तेभे त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद सौभाग्यद्रव्याणीं समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि दीपकं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्यो हाथ धो करके नैवेद्य लगाय नाभ्यायाचिदन्तरिक्षकं जेष्णोर्ध्यो तमवर्ततापतिभ्याम्भोमर्दशः ज्योत्राचधालोकम् प्राणाय स्वामवानाय स्वाम्यानाय स्वामुदानाय स्वां नमानाय स्वां ब्रह्मणे नमः ब्रह्मभूर्भुवस्वरूपं मुखवासार्थे पूगी फलतामूलं समर्पयामि ऋतुफलानि समर्पयामि। मामा फेरे सम्मुख में होंगे, पहले
यहाँ सम्मुख में मामा जी खड़े हो जाएं और मामा फेरे के लिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्याय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि प्रारंभे विनते करो गणपते विद्या दया सागरा मति दे आराध्य मो रेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुख अवघे देशांतरा पाठवे गणनायका गजमुखा कुर्या सदा मंगलम शुभलग्नम सावधान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि श्री ठाकुर जी का पाणी ग्रहण संस्कार का क्रम निरंतर जारी है। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार किया जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित करें। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की श्याम भवि चंद्र बोल रमणा शुभ करे साम्राज्य लक्ष्मे प्रदा चेत्रोपे परदेवता भगवते कुर्या सदा मंगलम शुभ लग्नम सावधान कृष्ण रुक्मणी सावधान उमा महेश्वर कन्यादान का संकल्प यहाँ प्रारंभ हो रहा है। आप भाव से पैर पूज रहे हैं, ये भाव रखिएगा। महिला मंडल की माताएं आपके पास में कन्यादान लेने के लिए आ रही हैं, आप उसी में कन्यादान करिएगा। और यहाँ मनोरथी परिवार कन्यादान का संकल्प, श्री मंत्री परिवार घनश्याम जी मंत्री, ललित जी मंत्री, महेश जी मंत्री मांग लिया, कन्यादान कर रहे हैं। भावभक्ति से कन्यादान के क्रम को चालू करिए। कन्यादान संकल्प खड़े होके करवाए जी। चलिए यहाँ आ जाइए।
का नाम का उच्चारण करिए, बोली मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त प्राप्यर्थम ऐश्वर्यादि विद्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्यर्थम स्थिर लक्ष्मी प्राप्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थम कन्यादानम महं करिष्ये छोड़ दीजिए। कसी माल मूल नमस्कार वृंदावन विहारी लाल की जय। चरण पेर पूजा जल जल थाली में जल डालिए। पादियो वाद्यम नर्पयामि हस्तयोर अर्घ्यम नर्पयामि मुखे आत्मनीयम जलम। ओम जय दीर्धान वज्रंद श्रीकादान गंगणा देघा गुण सहस्र योजने धनवान तनमसी। पेर पूजन संपन्न वर्मन भावर डलवा जी भावर भावर थोड़ा पैर पूछ दो वहीं पे उसी में उसका ही पानी उसमें डाल दो। हाँ वही पानी सामने पादी हो वाद्यम हस्तयोर्घ्यम शुद्धा चुन्यम महम। मंत्री परिवार के मासा जी अजमेरा परिवार की कन्यादान कर ले और भगवान के मामा पक्ष श्री सुभाष जी महेश्वरी उज्जैन आप भी कन्यादान कर ले। उसके बाद में जब तक कन्यादान आ रहा है इसके बाद भावर होगी भगवान की और भावर के बाद में आप सभी फिर सुंदर कन्यादान कर कर माँ प्रसादी लेंगे। आरती के बाद आज एकादशी है खूब सुंदर से ब्याह का दर्शन कर लो और आरती कर कर ही आप लोग उठना। ओम जय दीर्धान वज्रंद जोरदार ताली बजाएं भगवान के मंगल पाणि ग्रहण संस्कार का। सभी अपने स्थान पर बैठ जावे। आप एलईडी स्क्रीन में स्वस्ति नो स्वस्तिना स्वस्ति नो अरिष्ट स्वस्ति नो बृहद मृगस्वाहुदा प्रश्नेवाधरा स्वभा वेदा दे भूजगमाया अग्ने सूरजक्षसो नो देवा अमसा गवन्निहा भद्रं कर्णे श्रणयाम देवा भद्रं पश्यैर्जतरा तुष्टो वा घोषस्तनो विरवशे माहि देवाहि दञ्जदायो सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु वृन्दावन विहारे लाल की जय। कस्तूरे ब्राह्मण लात लगे हनो हन को ब्राह्मण ने छत्र दल मारियो ब्राह्मण सोप समुद्र लियो हर ब्राह्मण ने यदु वंश तो मारियो ब्राह्मण से जिसने फेर कियो उस ब्राह्मण से परमेश्वर हारियो कोई नहीं जाए कोई
वायुवंदनम स्वयं गृहीत्वा पुष्पांजलिं हरि ओम जन्मे न जन्मय जन्त देव